आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं मेन बोर्ड कंपनी की नायल लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नायल लिमिटेड एक रिसाइकलिंग बिजनेस में काम करता है और मैंने कुछ छोटी वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी किया था आपको। मैंने बताया था कि इनके जो दो प्रोजेक्ट है वो आने वाले हैं, नायल ली साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आप देखिए, और निर्मालया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों बिजनेस आने वाले हैं। और मैंने इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी किया है, आप चाहो तो पीछे की वीडियो जाके जरूर देखना, नहीं तो इसी वीडियो में आप पूरा का पूरा चीज़ें जान सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि जो नायल लिमिटेड है ये कंपनी प्योर लीड और लीड एलॉय मैन्युफैक्चर करती है। नायल जो है कि एक इमर्जिंग कंपनी है और ये मैं बता दूं कि इस कंपनी में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नायल हैज टू सेकेंडरी लीड रिसाइकलिंग प्लांट लोकेटेड एट चोटपल 60 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद, तिरुपति में भी है इसका प्लांट। द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस टू प्लांट 1,07,000 टन ऑफ लीड एंड लीड एलॉय पर एनम। दोस्तों इसी के साथ आप देखेंगे कि नायल 2 मेगावाट विंड फार्म इज लोकेटेड एट रामगिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, इनका ये नायल 2 मेगावाट का प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात कर लें तो ये कंपनी के प्रोडक्ट रेंज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट रेंज में शामिल है ये सभी यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज में, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं लीड एलॉय, और उसी के साथ इनके जो प्रोडक्ट हैं वो प्योर लीड 99% प्योरिटी के साथ, लीड एंटीमोनी एलॉय और लीड सेलमोनियम एलॉय और लीड कैल्शियम एलॉय, लीड टीन एलॉय, और इसी के साथ जो इनके कस्टमर हैं ये बहुत सारे हैं, जैसे कि अमर राजा भी हैं, और यहाँ पर चलते हुए चलचित्र में आपको दिखाई देगा कि इनके कस्टमर कितने लोग हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कंपनी की मोटा मोटी चीज़ें, यहाँ पे माइलस्टोन है कंपनी के बारे में जो कि लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर हम नायल की बात कर ले तो मार्केट कैप 666 करोड़ रुपए है और 2220 का प्राइस है, 2400 का हाई है, 660 का लो है, 18 का पी है, इंडस्ट्री का पी 34 है। दोस्तों अगर आपको बाहरी आवाज़ कोई सुनाई दे रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि काम चल रहा है अगल बगल आसपास में। ROE ROCE आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक है, इंट्रेंसिक वैल्यू 1155 है और आप देखना कि 820 रुपये के आसपास था तब भी मैंने आपके साथ इसके बारे में चर्चा किया था, क्योंकि कंपनी छोटी थी तो मैंने इसके बारे में भी बताया था। पीवी रेशियो 0.93 है और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत बड़ा जंप तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे कि कंपनी के ईयरली रिजल्ट के बारे में, ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट ठीक ठाक आया है। और मैंने उस समय भी कहा था कि कंपनी के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लें तो 228 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बोरोइंग कुछ भी नहीं है और फिक्स्ड एसेट भी है, कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो 50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास 49% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, रिजल्ट ये भी नहीं कि बहुत ख़राब आया है, रिजल्ट ठीक ठाक आया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिसाइकलिंग बिजनेस आगे ग्रो करने वाला है तो ज़रूर आपको किसी न किसी एक रिसाइकलिंग बिजनेस में पैसे डालने चाहिए। डोली खन्ना ने अभी इसमें निवेश किया है 1.10% स्टेक के साथ। दोस्तों एक निवेशक हैं आकांक्षा जी, आकांक्षा यहाँ पे देख सकते हैं 1.28% का स्टेक है, ये भी एक ठीक ठाक निवेशक हैं। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर जो नायल है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, इस बिजनेस में। आपको क्या लगता है, क्या इस कंपनी में कुछ नया है? दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ में आप देखना चाहें तो कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है, डॉली खन्ना ने इसमें स्टेक लिया है और आप देखेंगे कि इनके स्टेक लेने के बाद ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चली गई, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और कुछ नया नहीं है, लेकिन कंपनी मैं बता दूं कि जिस तरह से ग्रेविटा काम करती है, ग्रेविटा हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले, जिस तरह से ग्रेविटा काम करती है उसी हिसाब से ये कंपनी भी काम करती है, ये मैं आपको बता दूँ। चूँकि छोटी कंपनी है तो चैलेंजेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए।
आप अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में देखना चाहें तो ये है लीड एंड लीड लॉज विंडमिल, इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में है और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कैपेक्स के बारे में देख सकते हैं, जो मैंने दो कंपनियों के बारे में बात किया था उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको भी नोट करके चल सकते हो। दोस्तों कस्टमर कंसंट्रेशन जो है कि कस्टमर कंसंट्रेशन के बारे में भी बात किया गया है, आप आके जरूर पढ़ लेना। स्क्रीनर पे मैं ये डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीनर एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप एक बार ज़रूर पूछ लेना। ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से इस तरह के बिजनेस सर्वाइव करने वाले हैं आगे, तो धन्यवाद।